चाट सभी को बहुत पसंद होती है और यहाँ पे हम आपके लिए आलू की चाट लेके आए और इसको चटपटा बनाने के लिए हमने इसे क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट एंड टमी। आई एम शिवा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपना सपोर्ट कीजिए हमें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी रेसिपी के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए बनाते हैं अपनी सिंपल सी, बहुत ही चटपटी सी आलू की चाट, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें बनानी है चटनी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ले लिए धनिया, टमाटर, थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च हमने यहाँ पे ली है। हरी मिर्च फ़िलहाल से बहुत ही ज़्यादा कड़वी है, तो आपको जितनी भी स्पाइसी पसंद है उतने आप हरी मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका हम बना लेते हैं एक फ़ाइन पेस्ट। तो इसको हमने जार में डाल के थोड़ा सा नमक डाल दिया और इसको हम बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे चटनी की तरह। और आजकल सीज़न चल रहा है पुदीने का, आम का, तो कच्चा आम अगर आप इसमें इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पुदीने वाली चटनी जो बनती है बहुत टेस्टी लगती है। तो जो चीज़ अवेलेबल है उससे आप चटनी बना लीजिए। और एक हमने बोल में निकाल दिया। और नेक्स्ट स्टेप हम बनाते हैं अपना स्पेशल मसाला। तो यहाँ पर हमने ली है थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी यहाँ पर हमने जीरे का इस्तेमाल किया है, उसके बाद हम यहाँ पर डाल रहे हैं सौंफ, और इसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। इन सारे मसालों को हमें रोस्ट करना है। और यहाँ पे हम डालते हैं एंड में, हमारे पास सूखी हुई लाल मिर्च थी तो हमने इसमें ऐड कर लिए। फ़िलहाल तो ये अच्छा सा कलर देती है इसलिए हम डाल रहे हैं इसके अंदर। और सारी चीज़ों को हमें भून लेना है मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए। और इस भुने हुए मसाले का जो फ्लेवर होता है ना, बहुत बढ़िया लगता है चाट के अंदर जब इसे मिलाते हैं, और बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आती है क्योंकि हमने सारी चीज़ें इसमें मिला ली हैं। सौंफ वगैरह से बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है चाट का। और जैसे ही हमारे मसालों के अंदर हल्की हल्की सी सौंधेपन की खुशबू आने लग जाएगी, वैसे ही हम इनको निकालेंगे बोल के अंदर, नहीं तो हमारे मसाले तवे पे पड़े पड़े जल जाएंगे। तो हमारे मसाले भुन गए अच्छी तरीके से, हमने निकाल लिया इन्हें बोल में। अब इनको हम बना लेते हैं, एक पाउडर बना लेते हैं इसका जार में डाल के। और बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हल्का हल्का सा मोटा मोटा दरदरा रखना है। तो हमने मसाले इनको पीस लिया है इस जार में और इसको निकाल लेते हैं एक बोल के अंदर। तो हमारे बहुत ही खुशबू आ रही है बहुत बढ़िया सी इन मसालों के अंदर से, तो इसको रख देते हैं साइड में। और नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट प्रिपरेशन करते हैं अपनी आलू चाट के लिए। तो यहाँ पे हमने एक बड़े से इस तरह से पैन लिया है, उसमें हमने पानी रख दिया है और हमने आलूओं को इस तरह से काट लिया है पीसेज में। आलू को हमें प्रेशर कुकर में बिल्कुल भी नहीं पकाना है। प्रेशर कुकर में क्या होता है, आलू ओवर कुक्ड हो जाते हैं और उनका जो टेस्ट आना चाहिए ना वो नहीं आ पाता है। तो हमने यहाँ पे इस पानी में डाल के सारे आलूओं को पका लेना है, लेकिन आधा पकाना है, पूरा नहीं पकाना है। थोड़ा सा नमक डाल दिया है और जैसे इसमें बॉयल आता है उसके बाद से 5 से 7 मिनट के लिए सिर्फ हमें इनको पका लेना है। और एक बार चेक करके भी देख लेंगे फॉक की मदद से कि हमारे आलू कहीं ओवर कुक तो नहीं हो गए सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो हमें 5 मिनट हो गए, उसके बाद हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो हल्का जो आलू जब से फोक डालेंगे हल्के से टाइट रहने चाहिए आलू, इट मीन्स आपके आलू आधे कुक्ड हो गए, आधे पक गए। अब इनको हटा देते हैं गैस से, नहीं तो ये पूरे के पूरे पक जाएंगे। और फटाफट से गर्म पानी से निकाल के हम इन्हें बोल में निकाल लेंगे सारे इसी के से। अब हमने यहाँ पे आलू को पेपर टॉवल में डाल दिया ताकि आलू में बिल्कुल भी पानी ना रहे, पानी अच्छी तरीके से सारा सूख जाएगा आलू का। आप पेपर टॉवल की जगह पे जो कॉटन की टॉवल होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपके आलू अच्छी तरीके से सूख जाएं इस बात का ध्यान रहे, उससे आलू बहुत जल्दी अच्छे से क्रिस्पी होते हैं। और हमने कढ़ाई में डाल लिया है 1 टेबल स्पून घी। कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि उनके कढ़ाई में काफ़ी सारी चीज़ें चिपकती हैं, जैसे लोहे की कढ़ाई में जब इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी कढ़ाई बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगी पहले से ही, तो उसमें आपको कुछ भी फ्राई करेंगे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लीजिए, उसके बाद उसमें घी डालिए, घी डालते ही तुरंत उसमें आलू डाल दीजिए, तो उससे आपके आलू बहुत अच्छी तरीके से भुन जाएंगे और बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो हमने सारे के सारे आलू इस तरीके से डाल लेने हैं कढ़ाई के अंदर, और इनको हम एक बार चला लेंगे। और तब तक हमें भूनना है जब तक इनका कलर डार्क गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे। देखिए आलू का कलर बदलने लग गया है। और दो तरह के आलू आते हैं मार्केट में, कुछ एक जो दानेदार आलू होता है ना उसको जब फ्राई करते हैं तो बहुत क्रिस्पी होता है, और एक थोड़ा सा क्रीमीनेस आलू होता है, क्रीमी क्रीमी सा, अगर उससे फ्राई करते हैं तो वो क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आप दानेदार आलू ले रहे हैं तो आपके आलूओं की चाट बहुत बढ़िया बनती है और बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं आलू बिना कुछ
ऐड करे हुए इसमें। तो हमारे क्रिस्पी से आलू रेडी हो गए हैं बिल्कुल, हमने एक बोल में निकाल लिया है। अब चलते हैं इसको सर्व करने के लिए। तो सर्व करने से पहले हमें इसमें डालनी है चाट जो हमने बना के रखी थी पहले से ही, और चाट की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे। चाट में इसमें जो धनिया हम इसमें डाल रहे हैं, धनिया की जो चटनी डाली है थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे, इससे आलू को जो चाट बनती है वो बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और हमने जो स्पेशल मसाला रेडी किया था वो हम डाल लेते हैं धनिया की चटनी के बाद में, ताकि अच्छी तरीके से आलू में इस तरह से चिपक जाएगा मसाला सारा का सारा। और फिलहाल तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस मसाले के अंदर से। हमने मसाला ऐड कर लिया, एक बार इसको हम चला लेंगे। उसके बाद एक बारीक कटे हुए प्याज इसमें ऐड कर लेते हैं, और प्याज मिलाने के बाद थोड़ी सी धनिया, और इसके बाद हम मिला रहे हैं थोड़े से हमारे पास रोस्टेड हनी, रोस्टेड पीनट्स पड़े हुए थे रखे थे वो हमने इसमें ऐड कर लिए। पीनट्स डालने से चाट का फ्लेवर टेस्ट जो होता है बहुत बढ़िया लगता है खाने में। और पीनट्स डालने के बाद एक चीज़ हम इसमें और डाल रहे हैं, यह है बूंदी। अगर आप बूंदी नहीं डाल रहे हैं तो आप जो नमकीन होती है बेसन की नमकीन जो सेम होते हैं महीन वाले वो भी डाल सकते हैं, उससे भी चाट का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर ली हैं, लेकिन अभी हमारी चाट रेडी नहीं है। हमने थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर डाले हैं इसके अंदर, और टमाटर डालने के बाद जो एक चीज़ रह गई है जिससे हमारी चाट बहुत टेस्टी हो जाती है वो एकदम एंड में डालेंगे, वो है नींबू। नींबू डालने से चाट का टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है, और इसमें खट्टापन जो होता है और ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत टेस्टी लगती है। तो सारी चीज़ हमने ऐड कर ली, एकदम एंड में नींबू डाल लिया। तो हमारी चटपटी सी चाट रेडी हो गई है, बस सर्व कीजिए गर्मा गर्म बिना देर किए हुए। और ये बनाने बहुत ही इजी है, खाने बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी चाट की रेसिपी पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, और हमारे साथ बने रहे अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए, नए नए आइडियाज़ के लिए। तब तक लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।